प्यारे बच्चों, इस साल 9वीं कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम में व्याकरण विभाग में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द इसका समायोजन किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत से शब्द एकाद अक्षर या मात्रा के फर्क के बावजूद भी सुनने में एक से लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में काफ़ी अंतर होता है। अर्थात वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग एक समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग एक समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, मतलब कि उनका जो अर्थ होता है वह अलग होता है, ऐसे ही शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम समान, भिन्न अलग, अर्थक अर्थ वाला, मतलब श्रुति सम, श्रुति सुनना, यानी कि जो सुनने में समान लगते हैं, भिन्न अर्थक जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, अलग अर्थ देने वाले होते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हुई। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। फिर से बता रही हूँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा ही अंतर होता है, और वे शब्द बोलचाल यानी कि सुनने में भी हमें एक जैसे लगते हैं, परंतु जो उनका अर्थ होता है वो एकदम अलग होता है, और ऐसे ही शब्दों को हिंदी भाषा में हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देकर समझाया गया है, घन और धन दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता। आप देखेंगे तो इनके लिखने में भी कोई खास अंतर नहीं है, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता है, जो उनका अर्थ है वह एकदम अलग है। घन, घन का अर्थ होता है बादल, और धन, धन का अर्थ होता है संपत्ति। तो देखिए कितना अंतर आ गया है। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं, उनमें से कुछ प्रमुख शब्दों की सूची इस प्रकार है। यहाँ पर एक तरफ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, आप ध्यान से इन्हें सुनेंगे। अचार, आम, नींबू आदि का अचार, जिसे कि हम खाने में जो है हर रोज हम इसे खाते भी हैं। अचार मतलब आम, नींबू आदि का अचार। आचार, थोड़ा सा ही अंतर आया है मात्रा का, लेकिन अर्थ एकदम अलग हो गया है। आचार का अर्थ होता है आचरण, यानी कि हमारा चाल चलन। जलद, बादल, जलज, कमल। पूछ, पूछना, पूंछ किसी पशु के दुम। अब आप देखिए पूछ, पूछ का अर्थ होता है पूछना, यह हमें पूछने का भाव दर्शा रहा है, लेकिन जब हम पूंछ इसके ऊपर अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, उसका अर्थ होता है किसी पशु की दुम, यानी कि एक अनुनासिक लगा देने से उसके अर्थ में कितना अंतर आ गया है। दिन, दिवस, दिन का अर्थ होता है दिवस, और यहाँ हमने अगला शब्द आप देखेंगे मात्रा बदल दी है दीन, उच्चारण में भी फर्क है, दीन का अर्थ होता है
गरीब, दिन दिवस, दीन गरीब। हंस एक पक्षी, और हंस हंस मतलब हंसना, और कितना मामूली सा अंतर है। हंस में हमने अनुस्वार लगाया है और हंस में अनुनासिक चिन्ह लगाया है, तो उनके अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बाघ एक पशु है, बाघ एक बगीचा जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं, बैठते हैं वहाँ जाकर, उपवन भी कहते हैं इसे। तो कितना अंतर आ गया है, बाघ मतलब एक पशु और बाघ बगीचा। और दूसरा शब्द हमने यहाँ लिया है और का अर्थ होता है तथा, अन्य, दूसरा। और का तरफ, और का अर्थ होता है तरफ। कढ़ाई अगला शब्द है हमारा, कढ़ाई। सुई धागे से कपड़े पर फूल पत्ती बनाना, इसे हम कहते हैं कढ़ाई करना। और दूसरा शब्द हमने यहाँ लिया है इसका, कड़ाही। कड़ाही किसे कहते हैं, खाना बनाने वाला बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं। तो देखिए शब्दों के अर्थ में कितना अंतर है, थोड़ा सा मतलब के ऊपर आप देखेंगे यहाँ हमने लिखा है कढ़ाई और अगला है कड़ाही। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। परिमाण, परिमाण अर्थ है मात्रा, नाप, तौल। जब हम किसी चीज़ को नापते हैं, तोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिमाण। और दूसरा शब्द इसका है परिणाम, मामूली सा अंतर है और इसका अर्थ होता है नतीजा। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं परिमाण और परिणाम में, तो ध्यान दीजिए, परिमाण मतलब के मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा कि कितनी है वो मात्रा में, नाप तोल किसी को नापना और तोलना, और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। उत्तर एक दिशा, जैसे चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उसे कहते हैं उत्तर। और इसका अर्थ एक ये भी होता है जवाब देना, और इसी का दूसरा शब्द हमने लिया है वो है उतर। उतर मतलब ऊंचे स्थान से नीचे आना। मेला त्योहार पर लगा बाजार, मेला, मेला मतलब गंदा। भव संसार, भव्य सुंदर। अनिष्ट बुरा, अनिष्ट मतलब किसी का बुरा हो जाना, अनिष्ट, अनिष्ट। ध्यान से देखिए ऊपर अनिष्ट है और यहाँ नीचे अनिष्ट है, अनिष्ट अर्थ है इसका निष्ठा रहित, जिसमें निष्ठा का भाव नहीं होता। अविराम लगातार, अविराम का अर्थ होता है लगातार। अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर, जो बहुत सुंदर है उसे हम कहते हैं अभिराम। अन्न, अन्न मतलब अनाज। अन्य दूसरा। कपट धोखा, कपाट दरवाजा। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा किसका इसमें जो शब्दों में अंतर आ रहा है, या तो व्यंजन का मामूली सा अंतर है या फिर मात्रा का है, तो उतना मतलब उतने उसके बावजूद क्या हो जाता है, उनके अर्थ में एकदम बदलाव आ जाता है। अली सखी, अली भ्रमर, इसमें भी मात्रा का ही अंतर है। अली सखी, अली भ्रमर। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश। कूल,
कूल, कूल का अर्थ है किनारा। बलि, शक्तिशाली। बलि, बलिदान। यहाँ पर भी मात्रा का ही अंतर है। मात्रा के अंतर से दोनों शब्दों के अर्थ में कितना अंतर आ गया है। अपेक्षा, तुलना, और इसका एक अर्थ जो है आशा भी होता है। उपेक्षा, तिरस्कार। मातृ, माता, मात्र, केवल। मातृ, माता, मात्र, केवल। उच्चारण में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है मातृ और मात्र, लेकिन अर्थ में अंतर है। पता, किसी का रहने का स्थान। आप लिखते हो ना, जब आप पत्र लेखन आप जब करते हो तो उसमें आप पता लिखते हो, किसी के रहने का स्थान लिखते हो। लेकिन जब हम इसे पत्ता आधा तो इसमें और जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पत्ता, यानी किसी पेड़ पौधे का पत्ता। अभी हम इस जो है इनके जो अर्थ में अंतर आता है वाक्य प्रयोग के द्वारा भी अच्छे से जान लेंगे। बाहर, बाहर का अर्थ होता है मतलब के भीतर का विलोम शब्द है ये। बाहर जो है भीतर शब्द का विलोम है, या फिर किसी निश्चित सीमा से दूर। इसका वाक्य देखिए क्या बनाया है। मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश होने लगी। बाहर का अर्थ क्या हुआ यहाँ देखिए, भीतर का विलोम, या फिर घर से बाहर निकले थे, थोड़ी दूर ही गए थे कि बारिश होने लगी। और दूसरा शब्द है बाहर का जो हमने लिया है बहार। मात्रा जो है ब के आगे ना आकर किसके आगे आई है, ह के आगे आई है। बहार, बहार का अर्थ होता है रौनक। वाक्य, बसंत ऋतु में बागों में बहार छा जाती है। बसंत ऋतु में बागों में बहार छा जाती है। और बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब आप बाहर शब्द लिखते हैं सच में आप बहुत गलती करते हैं। अब आप इसे इसका अंतर यहाँ देख लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप जो है आगे ये गलती दोहराएंगे। इसके लिए ध्यान से देखिए, बाहर जो है भीतर का विलोम होता है, यदि हम उसकी जगह बाहर लिख देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। गृह का अर्थ होता है घर। वाक्य है, हमें अपना गृह कार्य समय पर करना चाहिए। गृह मतलब घर, जो कार्य हमें घर से करने के लिए दिया जाता है वो हमें हमेशा समय पर करना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। हमारे सौरमंडल में अनेक ग्रह हैं। कर्म, कार्य। हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। क्रम, सिलसिला। मोहन के जीवन में कठिनाइयों का क्रम जारी रहा। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि वाक्य प्रयोग से भी इनका अर्थ जो है हमें जो समझ में आ रहा है। दिन, दिवस। राम अपने जन्मदिन पर बहुत प्रसन्न था। दीन, गरीब। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। शाल, एक वृक्ष का नाम है। आप देखते हैं ना, जैसे बरगद का पेड़ होता है, आम का होता है, ऐसे ही शाल भी एक वृक्ष का ही नाम है। वाक्य देखेंगे, शाल के पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। साल, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं उच्चारण में, देखिए कितना फर्क है। साल, वर्ष। नए साल में श्याम ने सदा सच बोलने की प्रतिज्ञा ली। अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में जो शब्द मैंने आपको बताए, उनके अर्थ बताए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको बार बार जो है इन्हें सुनना है और फिर
लिख लिख कर आपको जो है अभ्यास करना है, तभी आपको इनका जो अंतर है बहुत, मतलब कि शब्द जब हम लिखते हैं और उनको जब हम बोलते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा ही जो है अंतर होता है, लेकिन अर्थ एकदम अलग होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लिख लिख कर अभ्यास करना है। पहले तो ध्यान से पढ़ना है और फिर लिख कर अभ्यास करना है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अभ्यास कार्य दिया गया है जो कि आप ध्यान से करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार वाक्य बनाएं कि दोनों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनका आपको वाक्य प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं कि दोनों का अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़े समय पहले आपको करके बताया भी है। तो यहाँ पहला जो शब्द लिया गया है वो है अपेक्षा और उपेक्षा। पहला शब्द है हमारा, हमने क्या लिए हैं, दो शब्द हैं ये, अपेक्षा और उपेक्षा। तो किस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है, सोहन को शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। सोहन को शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था, ठीक है। और दूसरा है उपेक्षा, हमें अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको जो नीचे और शब्द दिए गए हैं उनका क्या करना है, उनका जो है आपको वाक्य में प्रयोग इस तरीके से करना है कि उन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। अन्न अन्य, अन्न अन्य, नीर नीड, दिन दीन, पीठ पीठ, पीठ जो है हमारे शरीर का ही एक अंग होता है, हिस्सा होता है। पीठ मतलब कि किसी को मारना। तो ध्यान से आपको वाक्य प्रयोग करना है, हंस हस, समान मतलब कि बराबर, समान का अर्थ होता है बराबर, सामान कुछ वस्तु लेकर आना सामान, बाघ और बाघ और बाघ, ठीक है। ये आपका जो है गृह कार्य था जो कि आपको जरूर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।